Welcome everyone. This is our lecture number 8 of unit 3. Uh, so, in, in this lecture, we are going to cover printer interface and printer operations. So, these are the topics that we are going to cover printer interfaces, then components, working, and principle of inkjet printer components working in principle of laser printer and advantages and disadvantages in both so first of all starting with interfaces of printer so these are the interfaces which are used for connection of printer parallel port uh, the you know it is having 20, db 25 connector and length of cable is 10 feet. Serial port that is very rarely used nowadays. We are not using serial port. Universal serial bus we all know what is universal serial bus. Then IEEE 1394 that is Firewire network Ethernet port and wireless. Now you can see this uh, DB25 connector length of cable will be 10 feet. In serial port. Uh, the length of cable will will, will be uh, ten feet or more, but uh, these are not used. So, uh, before earlier the printers were using serial ports. Nowadays we are not using serial ports. Then universal serial bus. It is have, it is giving the uh, property or you can say advantage of plug and play. As in when you connect this. यू एस बी विथ योर प्रिंटर यू एस बी पोर्ट योर प्रिंटर कनेक्ट टू द यू एस बी पोर्ट विथ दिस यू एस बी केबल दैन ऑटोमेटिकली इट विल बी डिटेक्टेड मीन्स वो तुरंत डिटेक्ट हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को कन्फिगर करने की जरूरत नहीं पड़ती है मीन्स रीस्टार्ट नहीं करना है या फिर शट डाउन करके स्टार्ट नहीं करना है सो दिस इज़ एडवान्टेज ऑफ यूनिवर्सल सीरियल बस फिर है High firewire fire wire, and uh, this is not built uh, in though on many printers or PCs. Uh, it is available for high-end printers and is popular on laptops. Uh, the network printer simply uh, your uh, printer is connected with this uh, RJ45 RJ45 connector with the Ethernet port.

mostly it is supported by bluetooth or infrared so that supports 802.11 and zero two point that is wireless uh, wireless connectivity wi-fi so now starting with inkjet printer so inkjet printer is a type of computer printing that recreates the digital image by propelling droplets, droplets of ink onto paper and plastic substrates मीन्स कि इंकजेट प्रिंटिंग क्या है कि आ, वो एक डिजिटल इमेज क्रिएट करता है किससे तो ड्रॉपलेट्स को प्रोपेल करके प्रोपेलिंग मीन्स थ्रोइंग ऑफ ड्रॉपलेट्स किसके ऊपर तो पेपर या फिर किसी प्लास्टिक सब्स स्वप, प्लास्टिक सब्सट्रेट के ऊपर और आ, जो ये इंक के ड्रॉपलेट्स होते हैं तो एक्चुअली इंक को हम किसी रिजर्व uh, वायर में स्टोर करते हैं रिज़र्व वायर इज़ नथिंग बट अ कंटेनर कंटेनर जिसमें हम इंक स्टोर करते हैं तो अगर ब्लैक एंड वाइट है तो आपको सिर्फ ब्लैक इंक स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी और अगर कलर्ड है तो रेड ग्रीन येलो रहेगा क्या बोलते हैं इंक uh, का कॉम्बिनेशन या फिर मैजेंटा सियान येलो कॉम्बिनेशन रहेगा सो दीज आर द कॉम्बिनेशन अवेलेबल फॉर प्रिंटर्स दैट इज इंक चैट प्रिंटर दम्पोनेट्स ऑफ इंकट प्रिंटर इन दिस फिगर यू कैन सी देर आर नंबर ऑफ कम्पोनेट्स मतलब बट वी आर डिवाइडिंग इन टू टू पार्ट्स हम अपने जो प्रिंटर के कम्पोन है इंजेट प्रिंटर के उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एक प्रिंट हेड असेंबली और एक पेपर फीड असेंबली तो प्रिंट हेड असेंबली को स्टार्ट करेंगे पहले सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पोर्शन है उसको बोलेंगे हम प्रिंट हेड असेंबली तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंकजेट प्रिंटर है उसमें कोई रिबन uh, नहीं है जो आज अभी तक हमने देखा था कि रिबन पे स्ट्राइक होता है हैमर या फिर कोई पिन देन uh, फिर प्रिंट होता है पेपर के ऊपर तो इधर ऐसा कुछ नहीं है इधर सिंपली Uh, जो रिबन है वो रिप्लेस की गई है इंक से तो अब आप इसको देखेंगे तो दिस पार ये जो पार्ट है इट इज़ अ प्रिंट असेंबली और यू कैन से प्रिंट प्रिंट असेंबली इज होल दिस थिंग एंड दिस स्पेसिफिकली ये जो पार्ट है इसको कहेंगे प्रिंट हेड और यहाँ पे ये जो दो कंटेनर या फिर रिज़र्वायर कहते हैं उसको बोलेंगे इंक कार्ट्रिज तो पहला है प्रिंट हेड सेकेंड इज इंक कार्ट्रिज थर्ड वन इज प्रिंट हेड स्टेपर मोटर दिस इज स्टेपर मोटर ये देन दिस इज बेल्ट तो ये जो बेल्ट की मदद से क्या होगा कि ये जो प्रिंट हेड है वो लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट मूव करेगा फिर स्टेबिलाइजर बार है तो स्टेबिलाईजर बार ये बताएगा कि कितनी अमाउंट में आपका जो प्रिंट हेड है उसको मूव करना है और कि मतलब प्रिसाइज एंड कंट्रोल वे में उसको मूव कराना है तो उसके लिए स्टेबिलाइज़र बार की ज़रूरत है मींस कई बार ऐसे कि इधर फॉर uh, एग्जांपल के अगर प्रिंट हेड को इस तरफ ज़्यादा मूव कराना है लेफ्ट साइड और राइट right साइड नहीं मूव कराना है तो स्टेबिलाइज़र बार विल बी हेल्पफुल टू मूव हियर हेयर ओवरऑल दिस जो स्टेबिलाइज़र बार है वो यहाँ से वहाँ मूव करेगा लेकिन प्रिंट कहाँ करना है तो जहाँ पे Uh, ज, जिस पोर्शन में आपको मॉनिटर पे दिखेगा कि इस पोर्शन पे प्रिंट करना है उधर ही प्रिंट होगा सो फॉर ऑल दिस थिंग्स स्टेबिलाईजर बार विल टेक केयर फिर इट गिव्स अ प्रॉपर सपोर्ट टू दिस प्रिंट हेड नेक्स्ट इज पेपर फीड असेंबली तो पेपर फीड असेंबली में आएगा पेपर ट्रे यू कैन सी दैट ये जो जगह है दिस इज द पार्ट हियर इट इट इज नोन एज पेपर ट्रे और यू कैन से पेपर फीडर यहाँ से आप पेपर फीड करेंगे फिर आएगा ये रोलर्स ओके सो दीज आर द रोलर्स तो सेट ऑफ रोलर्स पुल द पेपर इन फ्रॉम फीडर एंड एडवांस द पेपर तो क्या हो रहा है कि यहाँ से पेपर uh, फीड होगा और ये रोलर्स की मदद से पेपर एडवांस भी होगा एडवांस यानी बाहर आएगा और नया पेपर नया पेपर लेने के लिए भी रेडी करना है सो so, रोलर्स का काम क्या है कि जो पेपर ऑलरेडी अंदर है उसको बाहर लाना और नया पेपर को अंदर लेना ये पेपर फीड का काम है या फिर पेपर ट्रे सॉरी रोलर्स का काम है जो पेपर फीड में से पेपर लेगा और प्रिंटर में से प्रिंट होने के बाद पेपर को बाहर निकालेगा

एग्जैक्ट कैसे इंक्रीमेंट करना इंक्रीमेंट मीन्स रोटेशन कैसे रोटेट करना है ताकि पेपर आगे भी आए और आपका जो इमेज है वो भी प्रिंट हो जाए नेक्स्ट इज कंट्रोल सर्किट्री सो कंट्रोल सर्किटरी दिस इज कंट्रोल सर्किट्री वेरी स्मॉल कंट्रोल सर्किटरी इज देर और ये आपका एक केबल से अटैच है यहाँ पे कंट्रोल सर्किटरी क्या करेगा कि बहुत सारे जो uh, क्या बोलते इंफॉर्मेशन है, है जो जीरो वन या फिर असेंबली लैंग्वेज सॉरी लोअर लैंग्वेज में है तो वो उसको डिकोड करेगा और प्लस वो प्रिंटर को कंप्यूटर से जो भी आएगा इंफॉर्मेशन वो प्रिंटर को सेंड करेगा और डिकोड करेगा तो ये काम रहेगा कंट्रोल सर्किटरी का और लास्ट वन है इंटरफेस तो इंटरफेस का है इट इज समवेयर बैकवर्ड यानी इसके पीछे इंटरफेस मीन्स type of connection which is used to uh, which is used to connect printer with the computer and one more thing is remaining uh, power supply so power supply will be, will be given so that your computer can uh, computer not computer sorry printer can uh, switch on and after completion of the task your printer can switch off now here you can see these three figures आप इधर देख सकते हो कि हीटिंग एलिमेंट है ये और यहाँ पे एक ट्यूब है जिसमें इंक है और ये जो ट्यूब है इसमें इंक रहेगी और ये नोज़ल रहेगा प्रिंट है ये जो पूरा पार्ट है ना ये प्रिंट हेड के अंदर में है तो जब भी आप, आप कुछ प्रिंट करने की बारी आएगी तब क्या होगा कि ये हीट एल, हीटिंग एलिमेंट होगी वो अंदर की इंक को गर्म करेगी अंदर की इंक गर्म होगी तो यहाँ पर एक बबल फॉर्म होगा अब देखो यहाँ पे लिखा है हीटिंग एलिमेंट अप फॉर्मिंग अ बबल इन द इंक तो यहाँ पर एक इंक का बबल बनेगा फिर बबल बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा जितना वो गर्म होगा उतना यहाँ पे ग्रो होगा और फाइनली यहाँ पे जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो ड्रॉप होगा और इंक बन के बाहर या तो उसको फेंक दिए या तो उसको थ्रो करेंगे या तो फिर उसको ड्रॉप करेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रिंटर्स ओरिएंटेशन मतलब तो अगर वो खड़ा है तो फिर उसको वर्टिकली अगर है तो फिर उसको प्रिंट हेड अगर वर्टिकल है तो उसको ड्रॉप करना पड़ेगा नोजल में से या तो अगर हॉरिजोटली प्लेस्ड है तो इट शुड बी स्प्रेड मोस्टली स्प्रे करते हैं इंक mm -hmm. uh, को सो दैट योर इमेज इज गेटिंग प्रिंटेड

और सारा जो भी कैरेक्टर uh, प्रिंट होगा वो एक्चुअली मेड अप ऑफ डॉट्स होता है और इंक क्या करता है uh, uh, और इंक को क्या करते हैं इंक को हम फायर करते हैं पहले हम उसको हीट करते हैं फिर उसका बबल बनता है बबल के बाद वो जैसे ही बबल पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको या तो फायर uh, करेंगे मींस इट इज़ स्प्रेड ऑन द पेपर एंड फाइनली इट इज़ प्रिंटेड ऑन एंड प्रिंटिंग ऑफ यहाँ पे इंक है एंड इज नोजल अगेन एंड दिस इज ड्रॉपलेट दिस इज सबस्ट्रेट और यू कैन सी पेपर प्लास्टिक सबस्ट्रेट और इट इज अ पेपर एंड दिस इज पिजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर नो वॉट इज पिजो इलेक्ट्रिक दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लाइट तो इन सब की मदद से फाइनली जो ये पेपर है इस पे प्रिंट होगा प्रिंसिपल ऑफ इंकजेट प्रिंटर कैसे प्रिंट uh, होने वाला है हम ये देखेंगे तो इंकजेट प्रिंटर यूज हंड्रेड्स ऑफ टाइनी गन्स टू फायर डॉट्स सो व्हाट इज दिस टाइनी गन्स दे आर नोन एज जेट्स एज इंकजेट प्रिंटर तो एट द पेपर द कैरेक्टर्स दे प्रिंट आर स्टिल मेड अप ऑफ डॉट्स दैट वी आई ऑलरेडी टोल्ड नाउ द पिज़ो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट ऑफ पिज़ो इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन प्रिंसिपल सो द यूज, दे यूज पिज़ो इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन से इफेक्ट ऑफ पिजो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पिज़ो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके प्रिंट करते हैं तो पिज़ो इलेक्ट्रिसिटी यूजेसरा में क्रिस्टल जो हमने आगे देखा था नोजल उसमें ये जो पार्ट था वो है क्रिस्टल जिसको बोलते हैं पिजो क्रिस्टल जो नोजल के पीछे रहता है तो नाउ द क्रिस्टल आर मेड टू वाइब्रेट विथ स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी तो ये जो क्रिस्टल है वो वाइब्रेट करेगा स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी जब भी वाइब्रेशन इनवर्ड होगा तब क्या होगा कि जो नोजल होगा उसमें से इंक बाहर जाएगी और जब भी वाइब्रेशन आउटवर्ड होगा तो इंक रिफिल हो जाएगी जैसे कि ये जो क्रिस्टल है वो पीछे की साइड है तो अगर वाइब्रेशन हो कर हो रहा है इसमें तो मीन्स अगर आगे की साइड है वाइब्रेशन इसके तो इसमें ये नोज़ल है इसमें आगे की साइड वाइब्रेशन है तो नोज़ल में से इंक बाहर जाएगी और यदि इसमें वाइब्रेशन पीछे की साइड है तो क्या होगा आउटवर्ड यानी इनवर्ड एंड आउटवर्ड तो अगर आउटवर्ड है तो क्या होगा कि इंक इधर से ले इधर से इसमें रिफिल हो जाएगी एंड फाइनली यू कैन सी कि यहाँ पर एक एक ड्रॉपलेट्स करके एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है और ये कैरेक्टर फाइनली प्रिंट हो जाएगा पेपर पे ये क्या हो रहा है स्प्रे हो रहा है जेट से इसको थ्रो कर रहे हैं और थ्रो होकर ये प्रिंट होकर किस पे प्रिंट हो रहा है ये पेपर पे

इस पर कोई प्रेशर नहीं है अगर प्रेशर नहीं है तो उस, उसका मतलब है कि अब यहाँ पे आ, फिल कर सकते हैं अब यदि इस पर कोई प्रेशर है प्रेशर यानी इस पर प्रेशर क्रिएट होगा तब क्या होगा इंक बाहर जाएगी तो जब इंक बाहर जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये एम हो जाएगा एम हो जाएगा तो प्रेशर जीरो हो जाएगा जैसे ही रिफिल हो जाएगा वापस इस पर प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पे वाइब्रेशन इन्वर्ड होगा और फिर इंक को थ्रो करेंगे यू कैन से स्प्रे करेंगे अगेन इट इज़ एम्प्टी देन प्रेशर देन वाइब्रेशन विल बी आउटवर्ड नो प्रेशर वाइब्रेशन विल बी आउटवर्ड देन इंक इज अगेन फिल्ड इन द नोजल एंड फाइनली लाइक दिस इट इज़ प्रिंटेड एंड ऑन द पेपर सो दिस वॉज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंकजेट प्रिंटर एंड Uh, in this way, your ink is sprayed, and finally, your uh, paper is showing your printed image. Now, coming to advantages and disadvantages advantages it is low cost, compact size, low noise, no warm up time compared to laser printer, and uh, ink is expensive, inkjet printer lifetime is limited. ब्लर ऑफ इमेज इफ़ वाटर ड्रॉप्स मीन्स अगर कोई वाटर uh, ड्रॉप हो जाएगा तो इमेज ब्लर हो जाएगी और uh, उस ईजी टू गेट क्लॉगिंग ऑन इंक जेट नोजल्स मीन्स जो क्लॉगिंग यानी अगर कुछ जैसे इकट्ठा हो जाता है कुछ कचरा जैसा तो वो इंक जेट पर ईजीली क्लॉगिंग क्रिएट कर सकता है जिससे कि दिक्कत आती है प्रिंट करने में फिर आता है uh, यूज़ एवरी फ्यू डेज मीन्स एवरी फ्यू डेज़ के बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा कुछ कुछ दिनों के बीच में सो सो दैट के जो प्रिंट हेड है वो सूख ना जाए और आपकी इंक भी सूख ना जाए इंक आ, वैसे तो नहीं सूखती लेकिन प्रिंटेड अगर सूख जाता है तो वापस प्रिंट करने में दिक्कत आएगी दैट्स वाई ये सब उसके डिसएडवांटेजेस हैं इंक जेट के तो हम देखेंगे लेजर प्रिंटर सो लेजर प्रिंटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस इट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स बाय रिपीटेडली पासिंग अ लेजर बीम बैक एंड फोर्थ ओवर अ नेगेटिवली चार्ज सिलेंडर कॉल्ड अ ड्रम टू डिफाइन अ डिफरेंशियली चार्ज इमेज अब इसमें मेन थिंग क्या है कि एक, ड्र, एक ड्रम रहता है ड्रम को हम नेगेटिवली चार्ज करते हैं और उसके ऊपर हम पॉजिटिवली चार्ज इंक पार्टिकल्स आ, को आ, थ्रो करवाते हैं या फिर इंक पार्टिकल्स को हम आने देते हैं जो इंक पार्टिकल्स एक पाउडर फॉर्म में रहेगा उसको आने देंगे और फिर ये जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे एंड दिस ये जो अट्रैक्शन है ये बनेगा हमारा प्रिंटिंग प्रिंसिपल इस पर, इस बेसिस पे आपका जो पेपर है वो इमेज प्रिंट करेगा और जो इसमें इमेज है वो फॉर्म करेगी ड्रम पे और वो फॉर्म कौन करवाएगा लेज़र बीम सो दैट्स वाई ले इसको लेज़र प्रिंटर कहते हैं द ड्रम दैन सेलेक्टिवली कलेक्ट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पाउडर इंक जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पाउडर इंक क्या है जो इंक का जो पाउडर फॉर्म है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज रहेगी एंड ट्रांसफर्स द इमेज टू पेपर तो अब जो पॉजिटिवली चार्ज है और इमेज जो ड्रम पे बनी है वो नेगेटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज इंक आएगी तो वो अट्रैक्ट होके पेपर पे चिपक जाएगी विच इज़ देन हीटेड इन ऑर्डर टू परमानेंटली फ्यूज़ फिर उसको हीट करेंगे ताकि वो परमानेंटली फ्यूज़ हो सके फ्यूज़ यानी परमानेंटली उस पर चिपक जाए और फ्यूज़ यानी उसमें उसमें मिल जाए पेपर के कंटेंट्स में पेपर का जो मटेरियल है उसमें मिल जाए और वो कभी भी रब ना हो सके बट देन ऑल्सो ग्रेजुअली वो रब हो जाता है बट ऐसा नहीं कि हमने अभी बनाया और तुरंत दस मिनट के बाद रिमूव हो जाए या फिर दो तीन दिन के बाद ऐसे नहीं होना चाहिए दैट्स वे फ्यूजिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट So, as with digital photocopiers, laser printers employ zero graphic printing process. Xerography you know, ze means creating Xerox copy of the photos. So uh, now we will see uh, six steps of printing process. Uh, so first is cleaning, second is conditioning, third is exposing, fourth is developing, fifth is transferring, and sixth is fusing. सो क्लीनिंग मीन्स द फोस्ट फोटो सेंसिटिव ड्रम जो ड्रम रहेगा इज क्लीफोर इट कैन टेक न्यू इमेज यानी उसको पहले क्लीन करना पड़ेगा क्लीन करते हैं ताकि वो न्यू इमेज को आ, उस न्यू इमेज को ले सके सेकेंड इज नोन एज कंडीशनिंग और इट इज ऑल्सो नोन एज चार्जिंग टू मेक द ड्रम एक्सेबल टू न्यू इमेज इट मस्ट बी चार्ज यानी उसको आ, पहले ही मैंने बताया था कि जो ड्रम होता है उसको नेगेटिवली चार्ज होता है तो कंडीशनिंग मीन्स उसको हम नेगेटिवली चार्ज करेंगे ताकि उसपे इमेज बना सके एंड इट इज चार्ज बाय प्राइमरी कोरोना वायर अराउंड 600 हंड्रेड टू माइनस सिक्स हंड्रेड टू माइनस वन थाउजेंड वोल्ट थर्ड वन इज एक्सपोजिंग और यू कैन इट इज ऑल्सो नोन एज राइटिंग तो अ लेजर बीम इज़ यूज टू राइट टू ड्रम कॉजिंग डॉट्स ऑफ द ड्रम टू लूज सम ऑफ द नेगेटिव चार्ज एंड बिकम रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज नहीं अब जो बीम आ रही है उसको आ, वो क्या करेगी वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगी किसको आ, उन जगह को जहाँ पे भी बीम फॉल करेगी तो बीम जहाँ जहाँ फॉल करेगी वो नेगेटिव चार्ज खत्म होके वो पॉज वो चार्ज बन जाएगा पॉजिटिवली रिलेटिवली पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव देन डेवलपिंग वी विल सी इन डिटेल इन फर्दर स्लाइड्स डेवलपिंग टोनर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम टोनर सिलेंडर टू ड्रम बाय अट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ ड्रम दैट वाज दैट हैज अ रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज तो अब उसको क्या करेंगे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे जो रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो वो कहाँ पर है ड्रम के एरिया पे है उसको अट्रैक्ट अट्रैक्ट करना है ओके सो नेक्स्ट इज ट्रांसफरिंग सो द ट्रांसफर कोरोना वायर पुट्स अ हाईली पॉजिटिव चार्ज ऑन द पेपर वंस द पेपर हैज अ पॉजिटिव चार्ज द निगेटिवली चार्ज टोनर पार्टिकल जम्प फ्रॉम ड्रम इन टू द पेपर ओके आई एम रिपीटिंग अगेन द ट्रांसफर कोरोना मीन्स वी विल सी इन लेट लेटर स्लाइड वॉट इज ट्रांसफर कोरोना इट इज अ वायर दट पुट्स हाईली पॉजिटिव चार्ज ऑन द पेपर वंस द पेपर हैज पॉजिटिव चार्ज द नेगेटिवली चार्ज टोनर पार्टिकल जम्पस फ्रॉम ड्रम इन टू द पेपर यानी जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा जो टोनर पे होगा वो किस पे जम्प करेगा पेपर पे जिससे कि क्या होगा आपकी इमेज प्रिंट होगी नेक्स्ट इज फ्यूजिंग मीन्स यू नाउ द रोल अब यहाँ पे काम आया रोलर्स का कि रोलर क्या करेगा कंप्रेस करेगा इंक को ताकि वो उसमें फ्यूज़ हो सके नाउ हियर यू कैन सी कंपोनेंट्स ऑफ प्रिंटर दिस इज रबर टोनर कार्ट्रिज फोटो सेंसिटिव ड्रम दिस इज फोटो सेंसिटिव ड्रम इस पे ही हो ये दिस इज द uh front not you can say uh, this is the front view and it will rotate like this of the to this is toner or cartridge then uh, this is erase lamp erase lamp uh, you already know what is the erase lamp it, it helps in cleaning then rubber blade it is also helpful in the same process debris cavity अगर कोई कचरा है तो वो यहाँ इकट्ठा होगा देन स्टेटिक एलिमिनेटर देन फ्यूज रोलर्स देन सेकेंडरी ट्रांसफर कोरोना एंड दिस इज द पेपर दिस इज टोनर दिस इज लेजर बीम एंड दिस इज प्राइमरी कोरोना एंड फाइनली पावर सप्लाईज सो एक एक करके देखेंगे तो जो टोनर कार्ट्रिज है इट सप्लाइज टोनर फॉर क्रिएटिंग एन इमेज इट कंटेन्स टोनर पाउडर एंड अदर कलर्स दैट कैन प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ इमेज ऑन प्लेन पेपर्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्रम्स ड्रम विथ रोलर्स ट्रांसफर द टोनर ऑन द पेपर अब ये जो टोनर कार्ट्रिज है इसके अंदर ही इंक रहती है ओके okay? तो so ये जो इंक होगी वो टोनर कार्ट्रिज में से बाहर आएगी तो पहले वो नेगेटिवली चार्ज होगा फिर ये जो फॉल होगी बीम उससे रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा फिर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनेगा वो एट्रैक्ट करेगा ताकि फिर ये जो इंक होगी वो पेपर पे जंप करेगी पेपर पे जंप करेगी तो यहाँ पे बन जाएगी आपकी इमेज नाउ फोटो सेंसिटिव ड्रम इट इज़ कोटेड विथ फोटो सेंसिटिव पार्टिकल्स ड्रम विच इज ने चार्ज्ड मैंने आपको आगे बताया था कि जो भी photosensitive drum है, उस पर फोटोसेंटिव पार्टिकल होगा वो नेगेटिवलीस पार्टिकल गेट हीट होगा जब लाइट इस पे फॉल करेगी एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट मेक इट्स वे थ्रू द ग्राउंडेड सिलेंडर फोटोसेंसिटिव ड्रम इज क्लीं

यानी इसको क्या करेंगे प्रिंट करने से पहले इरेज लैम्प क्या करेगा वो किसी एक लाइट से इसको एक्सपोज करेगा जिससे कि जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स है वो यहाँ से हट जाए और सारा इस पे कलेक्ट हो जाए देन प्राइमरी कोरोना प्राइमरी कोरोना और यू कैन से प्राइमरी और यू कैन से चार्जिंग कोरोना इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सम काइंड ऑफ सर्किट्री Uh, or you can say electrical components so which is found near the photosensitive drum yes it is found near the photosensitive drum and photosensitive particles on drum get charged and form electric field with the help of this electric electric field is generated here now next one is laser uh, laser helps in printing process of the image on the drum a pair of wires provide electric charge to photosensitive drum and the paper. Next one is toner. A toner is a very fine plastic powder that bonds with iron particles. The toner cylind uh, cylinder negatively charges the toner. Okay. Next is transfer corona. So, this is secondary, or you can say transfer corona, it is thin wire. ओके दिस इट इज थीन वायर विच गि पॉजिटिव चार्ज टू द सर्फेस ऑफ द पेपर नो दिस इज पॉजिटिव चार्ज इट गिव पॉजिटिव चार्ज टू द सर्फेस ऑफ पेपर दिस इन टर्न हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द नेगेटिव चार्ज टोनर पार्टिकल्स टूवर्ड्स द पेपर सो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स रहेंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे और इस पर अट्रैक्ट करेंगे दिस हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द इमेज टू द पेपर फ्रॉम फोटो सेंसिटिव ड्रम इन एनी वे होल ब्लेजर प्रिंटर वर्कस ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एट्रैक्शन सो एट वंस ये पहले नेगेटिव चार्ज रहेगा और पेपर पर पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा नेगेटिव चार्ज कौन क्रिएट करेगा प्राइमरी कोरोना क्रिएट करेगा यहाँ पे इंक पार्टिकल्स होंगे जो इस कार्ट्रिज के अंदर होते हैं वो इंक पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे ये यह पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा एक इमेज किससे बनेगा विद द हेल्प ऑफ लेजर और जैसे ही इधर मूव होगा तो जहाँ जहाँ अभी इमेज पे इमेज की जो इंक होगी वो पॉजिटिव पे अट्रैक्ट होके यहाँ पर जंप कर जाएगी और यहाँ पे बनेगा आपका प्रिंट प्रिंटेड इमेज

Light reflects off the page onto the light-sensitive drum. Primary principle works on static electricity. Static electricity is simply an electric charge built on insulated object. Opposite charge attract each other. This works as a temporary glue. Ink particles stick on the paper and fused with the hot rollers. See, you can see this. This image is formed with the help of. Uh, this is a mirror which deviates the. Uh, path of light, and here the image is formed. And uh, charge electrode corona wire means it is creating negatively ch negative charge on this image. Ink is spreaded over this image, and finally when it rotates like this, then the image will be printed on paper which is positively charged. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है ड्रम का उसको एक्सपोज़र मिला एक्सपोज पहले इसको नेगेटिवली चार्ज किया एक्सपोजर से क्या हुआ कि यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई फिर टोनर से इंक गई फिर क्या हुआ पेपर आया पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रिंट हो गया अगेन चार्जिंग फिर यहाँ पे क्लीनिंग हो जाएगी so this is basically printing process of laser printer advantages low cost per page compared to inkjet low noise high speed high printing quality then laser printer are more expensive but getting affordable day by day and sizes larger these are the uh, references and thank you very much for viewing this video.